नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन वर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉग्निजेंट कंपनी के अंदर आई गई एक बहुत ही शानदार परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब ओपनिंग के बारे में। अब दोस्तों ये ओपनिंग मात्र आधे से एक घंटे पहले ही गई और यहाँ पे आपको दोस्तों कोई भी सेल्स का, टारगेट का, कॉलिंग का, चैट का कोई भी दोस्तों आपका यहाँ पे डायरेक्ट काम नहीं होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों बस आपको कंटेंट को चेक करना है, वीडियोस को दोस्तों चेक करना है और आपको मेक श्योर करना है कि वो सही तरीके से, सही गाइडलाइन के तरीके थ्रू बनाई गई है। यही दोस्तों आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग काम रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट के प्रोसेस के अंदर काम करने वाले हैं, तो गाइस आप कॉग्निजेंट जैसे टॉप एमएनसी के थ्रू एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए गाइस आप यहाँ पे घर बैठ के काम करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आप मिनिमम 12वीं पास हैं, फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, मेल है, फीमेल है, एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, सारे दोस्तों इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं और आप पूरे भारत में कहीं से बिलोंग करते हैं, आप दोस्तों पैन इंडिया से अपने घर से बैठ के इनके जॉब को कर सकते हैं। सो गाइस बहुत ही शानदार और बिल्कुल लेटेस्ट जॉब की अपडेट है, सारे प्रॉपर तरीके से कंप्लीट इस वीडियो को ध्यान से देख करके अप्लाई कर लेना। और सबसे पहले दोस्तों अगर आपको ऐसे लेटेस्ट जॉब का अपडेट चाहिए तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। दोस्तों ध्यान से वीडियो को प्लीज गाइस लाइक कर देना और दोस्तों मैंने टेलीग्राम में 3 जॉब डाली अपडेट गाइस और भी बहुत सारा डालने वाला हूं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस देख सकते हैं बेसिकली हम आ गए कॉग्निजेंट की जॉब दोस्तों ओपनिंग के पेज पर। गाइस देख सकते हैं यहां पे भी मात्र आधे घंटे पहले ओपनिंग है ये। दोस्तों यहां पे ओपनिंग नंबर जो है 1 लिखा गाइस, डोंट गो, मतलब आप दोस्तों इनके ओपनिंग नंबर मत जाओ, कई बार ये लोग नंबर नहीं डालते हैं, रैंडमली दोस्तों 1 नंबर डाल देते हैं। तो यहां पे आपको बहुत सारी ओपनिंग मिलने वाली है और देख सकते गाइस 10 से कम भी लोगों ने अप्लाई यहां पे कर रखा है। गाइस देख सकते हैं सारे इनका क्लाइंट है, पर दोस्तों यहां पे चांसेस बहुत ज्यादा हायर है कि आप यहां पर दोस्तों या तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए या फिर आप दोस्तों गूगल क्लाउड के लिए यहां पे काम करने वाले हैं। हो सकता है कि आप AWS के लिए भी काम करते हो। यहां पर दोस्तों इन 2-3 कंपनीज के अंदर ही आप दोस्तों यहां पे काम करने वाले। गाइस देखो यहां पे सैलरी पैकेज की बात कर ले, वैसे कहीं सैलरी पैकेज मिलता नहीं, पर दोस्तों यहां पे आप मिनिमम एज ए फ्रेशर के तौर पे आप दोस्तों 17-18,000 रुपए के आसपास, 18,000 से 20,000-22,000 रुपए के लमसम आप सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे और आपने पहले कुछ काम करा नहीं करा है उस पर दोस्तों डिपेंड करता है कि आपको सैलरी पैकेज यहां पे क्या मिलने वाली है। गाइस देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले, कौन कौन दोस्तों इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले एजुकेशन में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, गाइस डोंट वरी एट ऑल, यहां पे वैसे नीचे आप आएंगे तो लिखा ग्रेजुएशन की एनी ग्रेजुएट, पर दोस्तों अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट भी हैं तो भी यहां अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कॉग्निजेंट में 12वीं पास एलिजिबल है, ये फ्रेशर की जॉब है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मेन देखो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का, मतलब मेन दोस्तों आपको इस टाइम लेटेस्ट क्या चल रहा है, आपको इंस्टाग्राम पे आप एक्टिव हैं, यूट्यूब पे आप एक्टिव हैं, आप सारे जगह पे हर चीज़ें देखते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग है कि कीवर्ड वगैरह क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में अगर आपको बेसिक नॉलेज है मतलब डिजिटल मार्केटिंग होगा, मतलब डिटेल डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल नहीं चाहिए यहाँ पे, बेसिक अगर आप में अंडरस्टैंडिंग है यू आर कंप्लीटली गुड टू गो। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कंटेंट को रिव्यू में आपको बेसिक नॉलेज हो, सेंसिटिव कॉन्टेंट के बारे में, कंटेंट के बारे में बेसिक नॉलेज आपको है और आपको ऑब्वियसली गाइस कंटेंट के रिगार्डिंग काम करना, तो ये दोस्तों आपको आना चाहिए। और इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि आपके पास दोस्तों क्या बोल रहे हैं ना कि कनेक्टिविटी, पावर एंड नेटवर्क अवेलेबिलिटी इज मैंडेटरी बिकॉज इट इज अ कंप्लीट वर्किंग फ्रॉम होम, तो मतलब आपके पास दोस्तों काम करने के लिए प्रॉपर तरीके से गाइस लैपटॉप आपको कंपनी देगी ना देगी दैट इज नॉट श्योर, हो सकता है गाइस कंपनी आपको दे तो बट आपके पास गाइस प्रॉपर तरीके से नेटवर्क होना चाहिए काम करने के लिए और आपके पास पावर बैकअप हो। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कैंडिडेट शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ फॉलोइंग टॉपिक बिफोर दे अपियर फॉर द ऑप्स राउंड, तो यहाँ पे दोस्तों इनका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। सो गाइस ये तो कंप्लीट आपकी हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, गाइस जॉब रोल की बात हो यहाँ पे क्या बोल रहे थे पहले कि चेक द इमेज मैच विद द वेबसाइट, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहले जैसे मान लीजिए अगर आप काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए तो आपको दोस्तों इमेज को चेक करना है और वेबसाइट के साथ मैच करना है कि क्या जो प्रोडक्ट लिस्ट करा गया है या जो भी चीज़ लिस्ट करी गई है वो वेबसाइट से मैच कर रही है, आपको वेबसाइट से वेरीफाई करना है कॉन्टेंट को, आपको सेंसिटिव कॉन्टेंट को अंडरस्टैंड करना, समझना अच्छे तरीके से, और व्यू द कॉन्टेंट, चेक द ब्रांड नेम एंड वेबसाइट, चेक इफ नॉन फैमिली सेफ कॉन्टेंट, रेट द कॉन्टेंट एटसेट्रा, तो यहाँ पे दोस्तों आप कंटेंट को देखना, उसको रेट करना है, बताना है क्या वो फैमिली की कंटेंट के लिए ठीक है। हो सकता है कि आप यूट्यूब वगैरह के लिए भी काम कर रहे होंगे तो यू कैन वर्क फॉर एनी कंपनी बट इट इज अ बिग कंपनी गाइस फॉर श्योर, तो आप उनमें
जो भी कंटेंट के रिगार्डिंग चीजें वो पोस्ट करी जाती है उसको आप प्रॉपर तरीके से चेक करना है, मेक श्योर करना है कि वो एडल्ट, मतलब वो सेंसिटिव कंटेंट है। और ये सारे काम दोस्तों आपके यहाँ पर होने लगा, इस अगेन इसकी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगी। तो अगर आप फ्रेशर, क्लियरली बोलना दोस्तों, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है यहाँ पे कॉन्टेंट वगैरह का, तो आप दोस्तों यहाँ पे 100% अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाई करने के लिए सिंपली गाइज आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है दोस्तों। तो गाइज ये है आज की दोस्तों अपडेट, जहां पे दोस्तों घर बैठ करके बस आपको कंटेंट को वेरीफाई करने का, चेक करने का काम करना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और वैल्यूबल रही होगी। दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद एंड टेक केयर प्लीज़।